थैंक यू प्रवीण गायकर सर, रॉक स्टार। 3 ओवर का मैच, 18 गेंदों का छोटा मुकाबला होगा। टीम जासे वॉन द टॉस और गेंदबाजी का फैसला। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 8वें फेल हुए थे, लेकिन दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज भारत रत्न बने। दुनिया के सबसे महान और अमीर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी भी फेल हुए थे। बार बार हारने, बार बार जीतने वाला जब जीतता है तो हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन बार बार हारने वाला जब एक बार जीतता है तो इतिहास बनता है। एक और मुकाबला जो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा वो मुकाबला होगा सुपर 8 का। जो टीम जीतेगी सुपर 4 में जाएगी सेमीफाइनल में। टिकट टू सेमीफाइनल, किसे मिलेगा ये टिकट? क्या ये मिलेगा टिकट जासई को, या ये टिकट मिलेगा टीम बेलवली को? ये मुकाबला बढ़िया होगा। एक तरफ कप्तान है जासई के भूषण मात्रे और दूसरे तरफ बेलवली के कप्तान अकत सोरगे। एक तरफ है एंड्रे रसल और दूसरे तरफ है तेज तर्रार गेंदबाज साईश मात्रे, रायगढ़ का स्टार गेंदबाज। जब भी रायगढ़ के मुकाबले होते हैं, चाहे वो तालुका ओपन हो या फिर जिला ओपन या ऑल इंडिया ओपन फॉर्मेट में, हमेशा फर्स्ट टाइम फेवरेट्स ओवर करते हैं साईश मात्रे। इनकी ओवर हमेशा कंजूसी होती है, लेकिन जिस तरह से इस मैदान पे पिछले 2 मुकाबले में बेलवली का जो फॉर्म है, आकाश पवार की बल्लेबाजी है और अजय पाटिल की बल्लेबाजी हुई है, वो काफ़ी लाजवाब। आकाश पवार ने आज कई पैटर्न शॉट मारे और अजय पाटिल ने सबसे लंबे छक्के मारे। ये मुकाबला बढ़िया होगा। 18 बॉल ना, अगर 6 बॉल भी डॉट निकलती है तो टारगेट छोटा बनेगा, लेकिन 3 ओवर का ये मैच है, हर गेंद पे बड़ा स्ट्रोक आएगा। गेम ऑन, दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो, धन्यवाद। तो बेलवली टीम को जग्गा भाई पाटिल सांगड़े इनके ओर से शुभकामना आ चुकी है, तो आपका भी स्वागत है। गेम ऑन, ग्रीन सिग्नल, पहली बॉल, सुपर 8, सुपर मैच, साईश मात्रे। ऊपर लगी है, ऊपर गेंद, फ्लाई स्लिप में कप्तान के हाथों पर गेंद थी, थ्रो थोड़ा सा लेट फेंका, मिलेगा सिंगल। एक रन रन टीम बेलवली का अकाउंट में आता हुआ। ओपनिंग जोड़ी है राकेश मात्रे और ऋषि पवार, शानदार मुकाबला। इस बार आकाश को पीछे रखा, ऋषि पवार को आगे किया। गेम प्लानिंग, साईश मात्रे की ओवर अच्छी है, जानते हैं कि आकाश को पीछे रखेंगे तीसरे विकेट के लिए तो शायद बात बनेगी। साईश मात्रे हमेशा बड़े विकेट लेते, लेग ब्रेक के सुल्तान है। लेग बाइज का एक, टीम का अकाउंट 1 रन, शानदार मुकाबला। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते। एक टीम का सपना होगा पूरा सुपर 4 का। ये देखिए वाइड यॉर्कर बॉल, ये बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में गेंद फेंकी जाती है विकेटों के बीच में, यहां से डॉट बॉल की समाप्ति। साईश मात्रे पेस बॉलर, दुनिया में तेज गेंदबाजों को पेस बॉलर कहा जाता है, और ये फास्ट टाइम फ्यूरिस जबरदस्त गेंदबाज। आईसीसी क्रिकेट में रडार गन से गेंद की रफ्तार नापते, और इनकी रफ्तार अगर रडार गन से मापे तो 125 के ऊपर का स्पीड है। गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग में, फील्डर फ्लाई स्लिप के दौड़ कर आएंगे, फील्ड करेंगे, थोड़े से पंबल हुए, ये देखिए 3 रन कंप्लीट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 18 गेंदों का मुकाबला है, ऐसे में जासे टीम अगर मुफ्त के रन देंगे तो शायद इनके लिए मुश्किल बनेगा। 3 ओवर में अगर 40 के ऊपर रन बनते हैं तो बेलवली का स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। फिलहाल स्कोर है 3 बॉल 4 रन। राकेश मात्रे लगातार तीसरे मुकाबले में ओपनिंग बैटिंग के लिए इन्हें भेजा है बेलवली की ओर से, लेकिन वो फॉर्म अभी तक उनका नहीं देखने मिला जो अजय आकाश पवार का देखने मिला 2 मैच में। अपने फॉर्म को ढूंढ रहे मैदान पे। एक और डॉट गेंद, तीसरे मुकाबले में सलामी जोड़ी भेजा राकेश को, लेकिन वो अपना 100% नहीं दे पा रहे मुकाबले में। एक और डॉट बॉल, साईश मात्रे ये कंजूसी ओवर, मैंने कहा था पेस बॉलर, प्रभावशाली कुशल गेंदबाज, हमेशा इनके हाथों पे पहली ओवर होती है। जब भी रायगढ़ ठाणे शो मैच होता है ये भी प्लेइंग स्क्वाड में होते हैं, बड़े गेंदबाज है, और राकेश के लिए ये चुनौती बनती हुई। टैपिंग बॉल मिड ऑफ पर, रन आउट का मौका बनेगा, विकेट कीपर दूर है, भूषण मात्रे, ये देखिए ये फायदा मिला, बैकअप नहीं कर पाए भूषण मात्रे ऑन विकेट कीपर के तौर पे, उसका फायदा मिला बेलवली को। कॉम्बिनेशन थोड़ा खराब था, 2 रन कंप्लीट किए,
पांच गेंदों का खेल समाप्त है और गावदेवी बेलवली का स्कोर है यहाँ पे 6 रन। ये रनआउट मिलता तो शायद पहला विकेट आता, लेकिन रनआउट नहीं मिला। राकेश अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये सुपर 8 का मैच है, ये मुकाबला जीतोगे तो आपको ट्रॉफी मिलेगी, शायद अच्छा खेलोगे तो सीरीज का सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, बहुत कुछ इनाम है। शॉर्ट एम्पूल हाफ ट्रैकर बॉल परफ्यूम डिलीवरी, एक ओवर का खेल समाप्त है। साईश मात्रे ने 6 बॉल पे 6 रन दिए, कंजूसी ओवर, इकोनॉमिकल ओवर। पावर को पीछे रखा, सही किया या गलत, क्योंकि 3 ओवर का मैच है प्रवीण सर, ऐसे में अगर पहले ओवर में 6 बनते तो दूसरे बल्लेबाज कब उतरेंगे और रन कब बनेंगे, कई सवाल है मैदान के अंदर। अब ये देखिए ओवर नंबर 2 लेके एक और गेंदबाज कुणाल पाटिल के हाथों पर यह बॉल। कुणाल ये भी काफी अच्छा गेंद को ब्रेक करते हैं, इनके पास भी हाथों की जादू है, जादुई गेंदबाजी। टीम जासई विक्टर रकमाई टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, और इनकी गेंदबाजी ताकतवर है। चलिए बल्ले के स्लॉट में है शुरुआत, स्क्रीन पर बॉल, ऑन साइड पे बिग हिट छक्का। स्वैग से करेंगे स्वागत, आपका स्वागत है। ऋषि पवार ने स्वागत किया, काफी बड़े बड़े खिलाड़ी डगआउट पे बचे अभी, आकाश सोर्गी, अजय, आकाश पवार, ऐसे में आने वाली गेंदों पे और बड़े स्ट्रोक आएंगे। लेकिन जिस तरह से साईश मात्रे ने गेंदबाज की वो बहुत कमाल के थी। ऑपोजिट टीम की बात करें तो सचिन ठाकुर फॉर्म में, टीम जासई के पहले मुकाबले के वो हीरो थे, मैन ऑफ द मैच। दूसरे मुकाबले में रोहित के हाथों पे वो खिताब था, दूसरे मुकाबले में 1 बॉल पे 5 रन चाहिए थे जासे के खिलाफ, तब उसके बाद डॉट गेंद आई, रुपेश गरद ने छक्का बचाया, सचिन ठाकुर ने छक्का रोका, तब जासे टीम ने वो रन बचाए पिछले मुकाबले में। अब ये सुपर 8 का मैच है, फील्डिंग डिपार्टमेंट बढ़िया होना तो आप अच्छा खेल कर सकते हो, ये जासे टीम ने दिखाया। 2 खिलाड़ी चर्चा करे विकेटों के पीछे भूषण के साथ, और ये प्लानिंग होनी चाहिए, गेंदबाज को आप टिप्स दे तो बेहतर होगा। विकेट कीपर फील्डिंग सेटअप करते हैं, गेंदबाज को टिप्स देते हैं कहाँ पर गेंदबाजी होनी चाहिए। ये क्रिकेट में विकेट कीपर का रोल सबसे बड़ा होता है। कुणाल पहली गेंद पे 6, 12 रन, कोई विकेट नहीं, 5 गेंद बची है। कुणाल और ये ऋषि का बैटल, ये भी बल्ले के नीचे थी लेकिन मिस टाइमिंग शॉट रहा, अलोंग द कार्पेट ग्राउंड शॉट ऑन ड्राइव वाइड लॉगन पे, थ्रो बढ़िया है, मिलेगा 1 रन। एक रन कंप्लीट किया जाएगा। देखिए घोट नाइट का एक अलग ही रूल्स आपने देखा है, आयोजक करता जो गेंद देंगे उसी से आपको खेलना पड़ता है, 24 बॉल वहां पे नहीं होता, ये कुछ अलग फॉर्मेट है। 13 रन, क्लीन बोल्ड, लेग स्टंप को छोड़ के खेल रहे थे ऋषि राकेश मात्रे की पारी समाप्त, पहला झटका लगा टीम गावदेवी बेलवली को 13 रनों पर।
एक्शन रिप्ले अक्रॉस द लाइन, तीनों स्टंप छोड़कर अगर राकेश खेल रहे थे तो उसके बाद ये गेंद सीधा लगी मिडल और लेग स्टंप के बीच में। शानदार गेंदबाजी, मिडल स्टंप को उखाड़ते हुए यॉर्क लाइन गेंद थी, थोड़ी सी लेग कटर और राकेश का विकेट मिला यहाँ पे गेंदबाज कुणाल पाटिल को। जब भी विकेट उड़ते और स्टंप डिस्ट्रॉ होते तब गेंदबाज का आत्मविश्वास ना सातवें आसमान पर आता है। हर गेंदबाज चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज फर्नीचर डिस्ट्रॉय यानी क्लीन बोल्ड हो, जिससे उसका आत्मविश्वास दो गुना बढ़े। 13 रन एक विकेट, पहला ब्रेक थ्रू मिला। अब मैदान के अंदर आएंगे पिछले मैच के हीरो, लंबे छक्के जिनके बल्ले से आए टीम उसारली के खिलाफ, अजय पाटिल। लाल कैप, रेड अलर्ट, ये रेड अलर्ट होगा गेंदबाज के लिए। क्या वही फॉर्म वापस दिखाएंगे अजय पाटिल? इस बार अंपायर के हाथ खोलते हुए पंचों की तरह शाहरुख खान के पोज में व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन, 14 एक विकेट। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। टाइमिंग बढ़िया है लेकिन ताकत कम है, कमजोर शॉट डीप में स्क्वायर लेग पर, एक और बढ़िया कैच। पिछले मैच के हीरो आउट हो गए अजय पाटिल, रन बना के जीरो। शिकारी खुद या शिकार हो गया। अब आएंगे एंडर रसल और बेलवली, आकाश चोरगे, दो बॉल बची इस ओवर की। बेलवली के पास टोटल 8 गेंद बची है इनिंग में, 14 रन, आपका स्कोर कम है 2 विकेट। कुणाल को ब्रेक थ्रू मिला 2 लगातार, अब कुणाल कमबैक करते मुकाबले में। 3 ओवर का मैच, आपको 15 मिनट में 3 ओवर समाप्त करने, टाइमिंग अलर्ट है। फाइनल के मुकाबले आज खेलने हैं, सुपर 8, एक टीम के सर पे ताज होगा सुपर 4 का। ये मैच इंपॉर्टेंट है, अगर ये जीतोगे ना तो आपको ट्रॉफी 100% मिलेगी। ऊपर लगी, पीछे जाएगी, फाइनल लेग में आउटफील्ड कमाल की है, ड्राइव शॉट होता हुआ, फील्डर है वहां पे, एंड ऑफ द मोमेंट पे रोका, फेंकेंगे, लेकिन तब तक 2 रन कंप्लीट। या दरम्यान कानोबा कुंडेवाल संघाचा संघनायक आणि शिवशाही पोहिंजे संघाचा संघनायक, दोन्ही टीमच्या संघनायकाला विनंती आहे, पण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून तुम्हाला सूचना आहे, विनंती आहे की लगेच तुम्ही रिपोर्टिंग करा, टॉस साठी यायचंय। पोहिंजे कुंडेवाल, यहां पे 3 रन, ऋषि पवार को मौका मिल रहा है, 4 बॉल पे 10, ऋषि का स्कोर है, टीम का है 17, अंतिम बॉल कुणाल, क्लीन बोल्ड, इस बार भी डंडा उखाड़ दिया, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, 3रा विकेट, 17, गावदेवी बेलवली। दोन्ही संघांसाठी क्षमतेची गरज नसते, नदीला तीन ओवर का मुकाबला, एक्शन रिप्ले में आपने देखा किस तरीके से फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ। एक और डंडा उखाड़ते हुए गेंदबाज कुणाल पाटिल, लेग ब्रेक, मिडल स्टंप को उखाड़ रहे बार बार, हर बार मिडल स्टंप को टारगेट करते हुए गेंदबाज कुणाल पाटिल। इससे पहले राकेश का विकेट आपने देखा, उसके बाद अजय का विकेट, अब ये आया बल्लेबाज ऋषि पवार का विकेट। 2 ओवर में 17, अब अंतिम 6 बॉल है। शानदार मुकाबला, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट के अध्यक्ष राकेश दादा गायकवाड़ और उनके साथ जुड़े हमारे कल के पहले दिन के बर्थडे पर्सन रूपेश दादा गायकवाड़, इनकी ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता आर्य ओले के साकली मैदान पर। अंतिम 6 बॉल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का खेल है, 6 बॉल में 36 बनते हैं। आकाश चोरगे ने कई मर्तबा वो बनाए भी है, लेकिन आज मौका बना है 6 नंबर का गियर डालने का। कामयाबी हाथों की लकीरों पे नहीं, ये कामयाबी माथे के पसीनों पे होती है। तेज गर्म धूप में जितना पसीना निकलेगा, जितनी मेहनत करोगे, उतनी कामयाबी आपके हाथों में मिलेगी। क्या आकाश चोरगे एंडर रसल क्या दिखाएंगे अपनी मसल पावर इन 6 बॉल पे? प्रमोद मडवी,
स्लो किया गेंद को, ओवर पिच गेंद थी, थोड़ा सा टर्न किया बल्लेबाज ने, ऑन द राइज खेला वाइड स्लॉग पर, स्ट्राइक रोटेट, क्विक डबल, सिंगल डबल से भी बात बनेगी, रन बहुत होने चाहिए। तीन ओवर का अगर मैच है तो कम से कम 40 रन तो बोर्ड पे लगने चाहिए। टीम बेलोली का स्कोर है अभी 19, पांच गेंदों का मुकाबला बचा है। शानदार क्रिकेट, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को छू के दिखाना है। पतंग आसमान को, ऊंचाई को छूती है, लेकिन इस बार गेंदबाजी कमाल, मिस टाइमिंग शॉट रहा, वाइड स्लॉग पर अकत सोरगे, रसल का विकेट। सबका मालिक एक, इरादे बनते बिगड़ते, लेकिन शिरडी वही जाते जिन्हें श्री साई बाबा बुलाते। 19 पे चार, बची गेंदे चार, प्रमोद मडवी ये मिला उन्हें ब्रेक थ्रू। तर खऱ्या अर्थाने जासी संघामध्ये तुम्ही कुणाल पाटील हा पाहता, त्या अर्थातच कार्ला ट्रस्टचे अध्यक्ष सन्माननीय वहालगावचे राजकीय क्षेत्रातील दमदार नेतृत्व सन्माननीय बालाराम पाटील साहेब यांचे नातू आहेत, करताना त्यांना शुभेच्छा दे त्यांच्या वतीनं, धन्यवाद। लेफ्टी राजेश पाटील आहे मैदान के अंदर, शायद इनको मौका मिला है, ये पहले लेफ्टी खेल रहे इस इनिंग में गेंदबाज के खिलाफ। पहले आगे आए, कंफ्यूज किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई गेंद बल्लेबाज की, चकमा दिया बल्लेबाज को, ओवर कमाल किया प्रमोद मडवी, ऐसा लगा गेंद तेज आएगी लेकिन गेंद को थोड़ा धीमा किया, थोड़ा सा बाउंस रखा और हाफ ट्रैकर में इस गेंद को थोड़ा सा कट किया। एक रन मिलेगा बेलोली टीम को और स्कोर आएगा बोर्ड पे 20, चार विकेट। ये स्कोर बहुत ही कम है, 18 गेंदों की मैच, यानी छोटा टीम छोटा मुकाबला, लेकिन क्या आने वाले तीन गेंद पे बड़े स्ट्रोक आएंगे अभी। ये चलिए, मिस टाइमिंग है, गेंद पीछे निकली लॉन्ग लेग पर सचिन ठाकुर के हाथों पे, बैक टू द विकेट कीपर, एंड टू एंड ट्रॉफी का जा रहा है, शानदार फील्डिंग, फिर से सिंगल। आकाश पवार का इंजर्ड होना शायद इस टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल बना। आकाश पवार पहले मुकाबले में अच्छा खेले, लेकिन अब वो इंजर्ड होने के बाद पहले वाली टीम शायद थोड़ी सी बैकफुट पे, उनकी कमी महसूस हो रही है इस मुकाबले में आकाश पवार की। तो गेंद बची 21 पे चार, शानदार गेंदबाजी, फुल टॉस से स्टेप आउट किया, आगे बढ़ के रुपेश गरत कैच को लपकेंगे, रुपेश के दस्तानों पर यह बॉल है, एक और सफलता मिलेगी गेंदबाज प्रमोद मडवी को। शिवशाही पोइंजे संघाचा संघनायक आणि कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाचा संघनायक, चला कुंडेवाल संघाचा संघनायक समाधान वास्कर आणि पोइंजे संघाचे जिग्नेश पाटील किरण गरत अपन या व्यासपीठावर आपले स्वागत आहे। चला पोहंजे संघाचे राजेश यांचे इथे आगमन झालेले आहे, कर्णधार आपलं स्वागत असेल, आणि इथून त्यांना घोट मैदानावर पहिला सामना खेळायला जायचा आहे। रिवॉल रिवॉल सर देखिए, पोहंजे जो गाव के खिलाड़ी है ना, आर्य ओवले इनका बाले किल्ला है, आर्य ओवले से इनका बहुत बड़ा संबंध है, चाहे वो अरुण कड़ा हो, पोहंजे के जितने भी खिलाड़ी आर्य ओवले को बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं हमेशा। प्रमोद तैयार है अंतिम बॉल, चलिए पीछे खेला लॉन्ग लेग में, कोई फील्डर नहीं, अंतिम बॉल को फिनिश किया अपने अंदाज में, तीन ओवर का खेल समाप्त हो गया, एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग, सुपर एट, टारगेट है 25 बने, कंपल्सरी चेसिंग का मैच है, विक्टर रकमाई जासई बनाने होंगे, तीन ओवर 26, सुपर एट जीतने के लिए। तो चला कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाचे कर्णधार या टॉस करण्यासाठी पोहंजे शिवसाई संघाचे कॅप्टन जरकिन उपस्थित झाले, टॉस करून घेऊया। फर्स्ट सेमीफायनल तुम्हाला पाहायला मिळेल, तत्पूर्वी इथे आपण सन्मान करूया मित्रांनो बेलवली ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच तथा माजी सरपंच देखील राहिलेत, आमदार चषकाचे यशस्वी आयोजक आणि भारतीय जनता पार्टीचे दमदार नेतृत्व सन्माननीय सतीशजी पाटील साहेबांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल। त्यांचा सन्मान करण्यासाठी आमचे या स्पर्धेचे आयोजक बंटे 11 औलेचे सर्वे सर्वा अर्थातच रुपेश दादा गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते
बेलोली ग्रुप ग्राम पंचायती चे विद्यमान उपसरपंच सन्मान्य सतीजी पाटील साहेबांचा या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। तर चला कुंडेवाल समाधान या पण टॉस करण्यासाठी, याच्यानंतर तुम्हाला आम्ही कॉल करणार नाहीयेत टॉस करण्यासाठी या म्हणून, कारण कमिटी डायरेक्ट इथून तुम्हाला पेनल्टी दिली याची नोंद घ्या। चला समाधान या, लास्ट कॉल तरी पण मी दिलाच एकदा, आता इथून पुढे कॉल देणार नाही तुम्हाला याची नोंद घ्या। हॅलो, ती रिक्षा आहे त्याच्या मागे गाडी आहे बघ मित्रा। अरे तू, हां हां, त्याच्या मागे गाडी आहे बघ, टू व्हीलर, त्याचा आरसा थोडस फिरव। हां थँक्यू। तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर, इसके बाद जो मुकाबला होगा पहला सेमीफाइनल का मुकाबला कुंडेवाल बनाम पुंजे के बीच, दोनों टीमों में टॉस होने जा रहा है, टॉस करेंगे। रुपेश जी गायकवाड़ साहब इनके हाथों से इस मैच का, इस मुकाबले का टॉस होगा। तो इस वक्त सुपर फोर के लिए जूझ रही है दो टीमें, बेलवली बनाम जासे के बीच ये मुकाबला, गावदेव बेलवली वर्सेस मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम के बीच ये दो मुकाबला, दोनों टीमों में टॉस होने जा रहा है। कुंडेवाल बनाम शिवसाई पोहिंजे, तीन ओवर का मैच, फर्स्ट सेमीफाइनल। रुपेश दादा गायकवाड़ यांचे शुभ हस्ते टॉस, टेल्स फॉर द कॉल, कॅप्टन शिवसाई वन द टॉस। नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय शिवसाई पोहिंजे टीमचे कॅप्टन, निर्णय जो काय असेल ही मॅच संपल्यानंतर आपण लगेच मैदानात उतरायचं आहे। जाऊया कॉम बॉक्समध्ये प्रशांत यांच्याकडे। जसे टीम ओपनिंग जोडी भेटली जल्द से जल्द मैदान के ऊपर, तीन ओवर का ये मुकाबला, तीन ओवर की बात करेंगे तो पहले सत्र की बात करेंगे। प्रवीण बेहतरीन गेंदबाजी रही, शायद गेंदबाजी करते हमने साइज मात्रे को देखा, छः गेंदे फेंकी सिर्फ छः रन दिए। दूसरी ओर थोड़ी सी महंगी साबित हुई, 11 रन खर्च किए गेंदबाज कुणाल पाटिल ने, लेकिन तीसरे ओवर में फिर से एक बार कमबैक किया प्रमोद मड़वी नामक गेंदबाज ने। पहले 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने, लेकिन आखिरी गेंद पर जो चौवा दागा उसकी बदौलत 8 रन आए आखिरी ओवर में। टीम का कुल स्कोर बना 25 रन। अब आने वाले 18 गेंदे 26 रन का टारगेट है, 26 टू विन है, 25 रन बनाए हैं तीन ओवर में, 26 का टारगेट जैसे टीम के सामने बेलवली टीम ने, गावदे बेलवली। अब यहां से ये आने वाले तीन ओवर में पता चलेगा कि आखिरी सुपर फोर में ये चौथी कौन सी टीम होगी जो भिड़ेगी वहाल टीम से। इसके बाद जो मुकाबला होगा सुपर फोर का, सुपर एट का मुकाबला है, सुपर फोर में प्रवेश करेगी दो टीमों में से टीम जीतेगी, लेकिन सुपर फोर में कौन सी जो टीम पहुंचेगी ये तो आने वाले तीन ओवर के बाद ही पता चलेगा। 18 गेंदे 26 का टारगेट है, गेंदों में बॉल में ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन उस अंतर को तय करने के लिए आपको ये तीन ओवर का सामना करना पड़ेगा। ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर जाते हुए वदासाई टीम के भूषण और साइश मात्रे, भूषण और साइश मात्रे ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर देखेंगे। गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए राकेश, शायद राकेश के हाथ में गेंद है। पिछले दो मुकाबले की बात करेंगे तो राकेश की तो अच्छी गेंदबाजी की है राकेश ने, लेकिन इस मुकाबले में अब आगे यहाँ से आपको सुपर फोर में जाना है तो कंजूसी भरी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि जो आपने जो रन उभारे रन बनाए सामने वाली टीम के सामने जो टारगेट रखा है वो शायद छोटा सा लगता हुआ, क्योंकि जो अभी तक के मुकाबले हैं जितने भी मुकाबले हुए बड़े रनों के मुकाबले हमने देखे, ये गेंद पहली गेंद कट करने की कोशिश, फील्डर वहां पर मौजूद, मिसफील्ड, यहां से मिसफील्ड होती हुई, शायद ऐसा लग रहा था कि डॉट गेंद जाएगी लेकिन वहां पर मिसफील्ड हुई फील्डर द्वारा, नतीजा हमने देखा 2 रन। गेंद को पकड़ना चाहिए था क्योंकि 26 रन है, आपके 26 गेंदों में कम से कम रन देने की अच्छी गेंदबाजी करनी हो, डॉट गेंदे करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डॉट गेंदे डालनी होगी गेंदबाजी करते समय, लेकिन फील्डरों की उतना साथ भी आना जरूरी होगा। ये गेंद भूषण के लिए, फिर से एक बार प्रहार करने की कोशिश, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद जाती उसी स्टंप पर और यह पहला बड़ा विकेट भूषण नामक बल्लेबाज मैदान से बाहर।
देखिए जादू जादू दिखानी होगी मैदान के ऊपर, लेकिन वो जादू दिखाते हुए गेंदबाज पहली गेंद पर अगर शायद मिसफील्ड नहीं होती तो वो दो रन भी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ से दो रन मिले दूसरी गेंद पर तुरंत वापसी की गेंदबाज राकेश मत्रे की तारीफ करनी होगी। राकेश मात्रे बेहतरीन गेंदबाजी, तारी भाई काबिल गेंदबाजी, सचिन ठाकुर नए बल्लेबाज, साईश मात्रे नौ स्ट्राइक पर है। पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी इस दो बल्लेबाजों ने, लेकिन जो पिछला मुकाबला था जहाँ से टीम जीते थी वो दो फील्डरों की वजह से जीते थी, एक थे रुपेश घरत और दूसरे थे सचिन ठाकुर। दो खिलाड़ी ने दो छक्के रोके थे और वहाँ से उस मुकाबले में करवट बदली थी और वहाँ से जीत दिलाई थी अपनी टीम के लिए बतौर फील्डर सचिन ठाकुर और रुपेश घरत नामक दो फील्डरों ने। लेकिन यहाँ से फिर से एक बार राकेश की अगली गेंद, इसके बाद पटकी हुई गेंद थी, बेहतरीन शॉट, लाजवाब, अपने इरादे स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज सचिन ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला बड़ा छक्का। और यहां से बेहतरीन बल्लेबाजी, पहली गेंद पर टूट पड़े बल्लेबाज और ये चार रन मिलेंगे इस गेंद पर बल्लेबाज सचिन ठाकुर को, छह रन मिलेंगे, छह रन से बढ़ता हुआ स्कोर आठ रन पहले गेंद से। और यहाँ से गेंद की मांग की जाए मैदान के ऊपर, समाधान गेंद की आइए, गेंद आइए, लेकिन गेंद आप चॉइस करके रखना है बेलवली जासी टीम के, मैं कप्तान को गुजारिश करूँगा कि आपको गेंद पहले से चॉइस करके रखनी है। लेकिन फिर से एक बार सचिन ठाकुर इस वक्त स्ट्राइक पर, पिछली गेंद पर छक्का, ये गेंद बेहतरीन गेंद थी, सिंगल रन मिलेगा, ब्लॉक ऑन लाइन गेंद थी, पूरी तरह सम्मान दिया इस गेंद को। देखिए पिछली गेंद पर अपने छक्का दागा है तो जरूर नहीं कि आप अगली गेंद पर छक्का मारे, दूसरी गेंद पर तुरंत उस गेंद को सम्मान दिया, एक रन सिंगल, सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुछकर बन चुका है नौ रन, एक रन एक विकेट के नुकसान पर जासे टीम मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम बल्लेबाजी करते समय विठ्ठल रुक्मिणी जासे टीम गावदे वाले बेलोली टीम के सामने खेलते हुए 26 का पीछा करना है। अब बची हुई 14 गेंदें शेष है, ये गेंद फिर से एक बार प्रहार करने की कोशिश, गेंद के नीचे फील्डर और बल्लेबाज साईश मात्रे बैक टू द पेवेलिंग, दूसरा बड़ा झटका मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम को। तारीफ करनी होगी गेंदबाज, अगर एक छक्का थागा है उनके गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन वापसी करते हुए गेंदबाज राकेश मात्रे दो विकेट चटकाई इस ओवर में, नौ रन खर्च किए इस ओवर में, लेकिन अभी तक शादी सुर की इसी ओवर की एक गेंद शेष होगी, लेकिन नौ रन अभी तक खर्च किए इस गेंदबाज ने और दो विकेट, महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर चुके हैं साईश मात्रे और भूषण मात्रे, जो ओपनर आए थे, दो ओपनिंग जोड़ी थी उस जोड़ी को यहाँ से चलता बनाया। सचिन ठाकुर मैदान के ऊपर अभी तक खड़े हैं, एक छक्का दागा इस खिलाड़ी ने, दो रन का सामना किया और सात रनों पर खेल रहे अपने निजी टीम का कुछ कर बनता हुआ नौ रन। ये गेंद प्रहार करने की कोशिश फिर से एक बार तुतुमे में, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति रन की संभावना को समाप्त किया आखिरी गेंद के ऊपर, डॉट गेंद वही रुका हुआ स्कोर नौ रन, दो विकेट के नुकसान पर नौ रन। सचिन ठाकुर दो गेंदों का सामना करते हुए सात रन पर खेलेंगे। मयूर पाटिल जो अभी तक एक गेंद का सामना किया, डॉट गई है गेंद, पहली गेंद डॉट के लिए मयूर पाटिल ने, टीम का कुछ स्कोर बनता हुआ नौ रन। अब यहाँ से जीतने के लिए बची हुई 12 गेंदे और हेलो तरह दरमियान आमच्या ओवले गावातील खरंतर बैलगाडा शर्यतींची विलक्षण आवड, त्याचबरोबर जुना काल म्हटलं तर कुस्त्यांचा रखाडा, ज्या पद्धतीनं कुस्त्यांचा आखाडा असायचा त्या कुस्त्यांमध्ये कुस्त्यांच्या जंगी एक शर्यती देखील व्हायच्या। तर आमचे विजय गायकवाड यांचं इथे शुभागमन झालं आहे। ओला गाव म्हटलं तर खरं तर वेगवेगळी आवड, शर्यतींची आवड विलक्षण आहे। तर विजय गायकवाड यांचं देखील सरचे स्वागत, आणि प्रवीण एक चांगले वक्तृत्वकार देखील आहेत, तर स्वागत आहे विजयजी। त्यानंतर श्रीमंत घरत वहाल आपलं देखील हार्दिक स्वागत। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स प्रशांत मुंगाजी। नाही गेंदबाज अभिषेक चोरगे
थैंक्स रविंद्र मात्र। गेंदबाजी की बात करेंगे तो पहले ओवर में 9 रन आने वाली 12 गेंदे 17 रन की जरूरत। पहली गेंद ये बेहतरीन गेंद थी, कर्मी मामला हो सकता है डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, विकेट कीपर ने वहां पर गलती कर बैठे विकेट कीपर या आकाश चौधरी। और यहां से 22 का इशारा, सिंगल रन मिलेगी इस गेंद के ऊपर। एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का, स्कोर बन चुका है 10 रन। अब जीतने के लिए 11 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। कंजूसी भरी गेंदबाजी करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदे डालनी होगी इस मुकाबले में अगर आपको आखिर तक लेके जाना है। लेकिन एक बड़ा शॉट इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी दिला सकता है झांसी टीम को। ये गेंद फिर से एक बार स्लोवर गेंद, चेंज ऑफ पेस गेंद, समझ नहीं पाए कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त करते हुए गेंदबाज अभिषेक चोरघे लाजवाब गेंदबाजी। अभी तक दो गेंदे अच्छी फेंकी इस गेंदबाज ने, फिर से एक बार अभिषेक की ये गेंद। अभी स्विच खोलव लोकल लाइन गेंद, इस गेंद को खेल ऑफसाइड में, फील्डर वहां पर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग लेकिन एक रन नहीं रोक पाएंगे। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, सिंगल से स्कोर कार बढ़ेगा, स्कोर एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, दोनों विकेट के नुकसान पर। सचिन जब तक मैदान के ऊपर है तब तक आशाएं जमी हुई है, लेकिन निखात बड़ा शॉट इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी दिला सकता है। लेकिन अभिषेक चोरघे की बात करेंगे तो अच्छी गेंदबाजी, अभी तक दो गेंदे तीन गेंदे फेंकी इस गेंदबाज ने, लेकिन ये गेंद फिर से एक बार छोड़ा वाइट के लिए, लेकिन यहाँ से बेहतरीन गेंद अंदर आती हुई गेंद, समझ नहीं पाया बल्लेबाज सचिन ठाकुर, और एक डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया गेंदबाज अभिषेक सोरगे नामक गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। अभी तक इस ओवर के आखिरी दो गेंद शेष, टीम का कुछ कर बन चुका है 11 रन। अब जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है, आने वाले 8 गेंदे और 15 रन। फिर से एक बार ये पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, एक रन चुरा या दूसरी की कोशिश करेंगे, करीबी मामला हो सकता है। और यहां से थ्रो शायद थोड़ी सी शॉट और नतीजा हमने देखा, दूसरा रन पूरा करते हुए। अगर ये डायरेक्ट थ्रो होती तो नतीजा कुछ अलग होता, बल्लेबाज सचिन ठाकुर को यहाँ से रास्ता मापना पड़ सकता था, लेकिन बेहतरीन रन इन बिटवीन विकेट, थ्रो थोड़ी कम हुई, शायद शॉर्ट थ्रो हुई, उसकी वजह से दूसरा रन पूरा हुआ। इस दो रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का कोस्कर बनता हुआ 13 रन दो विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए बची हुई 7 गेंदे और 13 रनों की जरूरत, 26 का टारगेट है। 26 का पीछा करते समय 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 11 गेंदों में 13 रन खर्च किए बेलौली गाँव बेलौली टीम ने। अब बची हुई 7 गेंदे और बनाने 13 रन दो विकेट के नुकसान पर झांसी टीम। ये गेंद प्रहार करने की कोशिश, फिर से एक बार उसी दिशा में गई हुई गेंद, एक रन चुराया और एक ही रन से संतोष माना पड़ेगा बल्लेबाज सचिन को। एक से कुछ होने वाला नहीं, एक हाथ बड़ा शॉट इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी दिला सकता है मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम को। लेकिन जब तक बल्लेबाज सचिन ठाकुर मैदान के ऊपर है, क्योंकि क्षमता इस बल्लेबाज में, ताकत इस बल्लेबाज में, उस क्षमता को आजमाना होगा, ताकत को दिखाना होगा मैदान के ऊपर। 6 गेंदे अब जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत, एक छक्का जरूर दागा है सचिन ठाकुर नामक बल्लेबाज ने। 6 गेंदों का सामना किया, 10 रनों पर खेल रहे, लेकिन मयूर पाटिल इस वक्त 3 गेंदों का सामना करते हुए सिंगल रन पर खेल रहे। 26 का टारगेट है, अभिषेक चोरघे की बात करेंगे, लाजवाब गेंदबाजी, वापसी वाला ओवर कहा जाएगा। अभिषेक चोरघे बेहतरीन गेंदबाजी, 5 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने और एक निश्चित तौर पर एक लेग 22 की रन भी 22 के रूप में रन आई थी और सिर्फ 4 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। बेहतरीन गेंदबाजी, वापसी वाला ओवर टीम का कुछ कर बनता हुआ, पहले ओवर में आए 9 रन, दूसरे ओवर में आए 5 रन, टीम का कुछ कर बन चुका है 14 रन दो विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 6 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत और कंपलसरी चेसिंग, इस टूर्नामेंट का ये नियम है। और गेंदबाज किसके हाथ में गेंद फेंकेंगे, गेंदबाज शायद ऋषि मनोज मात्रे। आखिरी ओवर ये काफी किफायती शुरू होगा दोनों टीमों के लिए, अभी नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सुपर फोर के लिए क्वालिफाई करेगी और किसी एक ट्रॉफी पर अपना नाम जरूर लिख के जाएगी। लेकिन ये 6 गेंदे बताएगी कि सुपर फोर वाला वो चौथी कौन सी टीम होगी, ये 6 गेंदे बताएगी। अब आने वाली 6 गेंदे जीतने के लिए 12 रन, अब यहाँ से हार और जीत के बीच अगर कोई खड़ा है तो वो एक गेंदबाज मनोज मात्रे गावदे बेलौली की ओर से, विठ्ठल रुक्मिणी झांसी टीम की ओर से सचिन ठाकुर, क्षमता इस खिलाड़ी में। ये गेंद पहली गेंद ब्लॉक और लाइन गेंद थी, लेकिन सिंगल रन, सिंगल से कुछ होने वाला नहीं, काफी बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद थी, उस गेंद को प्रयास किया था निश्चित तौर पर कवर की ओर से ऊपर से खेलने की, लेकिन गेंद और बल्ले में पूरी तरह संपर्क नहीं हुआ, नतीजा हमने देखा सिंगल रन मिली। सिंगल से आगे स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, अब बची हुई 5 गेंदे 11 रन, मयूर पाटिल इस वक्त
जीतने के लिए 5 गेंदे और 11 रन गेंदबाज मनोज मात्र की ये गेंद। ये गेंद फिर से एक बार अच्छी गेंद डायरेक्ट की डोर बल्लेबाज सचिन ठाकुर के बारी का, लेकिन अंपायर का वाइट का इशारा, बल्लेबाज मैदान से जाएंगे, सचिन ठाकुर मैदान से बाहर जाते हुए रन आउट के रूप में। इस बल्लेबाज से काफी आशाएं थी। डीजे की ओर से अब बची हुई 5 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। सचिन ठाकुर से काफी आशाएं थी, लेकिन उनकी जगह संभलने के लिए नए बल्लेबाज रुपेश खरत। उनके बॉडी देख रहा ऐसा लगता है छक्का नहीं, 8 नहीं, ये 10 मारेंगे, लेकिन यहां से अब जरूरत है 10 गेंदे। आपके पास 10 रन 5 गेंदों में, 5 गेंदों में 10 रन बने। स्ट्राइक बल्लेबाज रुपेश खरत, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज मयूर पाटिल और गेंदबाजी की बागडोर संभल हुए मनोज मात्रे। 5 गेंदे यहां से निर्भर करेगा ये कौन सी टीम जो जाएगी सुपर फोर में, ये 5 गेंदे बताएगी। स्ट्राइक बल्लेबाज रुपेश खरत 16/3 प्रहार करने की कोशिश, पूरी तरह चूकते हुए डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया गेंदबाज मनोज। बेहतरीन गेंदबाजी, 2 गेंदी फेंकी इस गेंदबाज ने, 2 रन खर्च किए, 1 रन आउट के रूप में 1 विकेट हासिल किया। लेकिन यहां से रुपेश को अपनी आशा है, रुपेश को एक बड़ा शॉट दागना होगा इस मुकाबले में अगर जिंदा रहना है तो, आखिर तक जाना है तो। 6 गेंदे का मुकाबला था, 6 गेंदों में जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी। 6 गेंदे में 12 रनों की जरूरत थी, उस वक्त 5 गेंद 11। ये बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार इस गेंद को खेला है ऑन साइड में, फील्डर वहां पर मौजूद है राकेश मात्रे, 1 रन चुरा लिया, दूसरी की कोशिश नहीं होगी। देखिए 6 गेंदे 12 की जरूरत थी, उस वक्त 5 गेंदे 11, फिर एक वाइड गिरा, फिर 5 गेंदे 10, फिर 4 गेंदे 10, फिर 3 गेंदे 9 रन। अब 3 गेंदे बनाने 9 रन, एक बड़ा शॉट इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी दिला सकता है, लेकिन यहां से किसी एक बल्लेबाज को वो शॉट दागना होगा। इस वक्त स्ट्राइक पर है मयूर पाटिल, 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत और गेंदबाजी की बागडोर संभल हुए गेंदबाज मनोज मात्रे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये गेंद फिर से एक बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर और बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच, और यहां से बल्लेबाज मयूर पाटिल बैक टू द पेवेलियन। डीजे देखिए कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। वो कोशिश करते हुए बेलवली टीम जीतने के लिए सिर्फ 26 का टारगेट था और पहले ओवर में मैच 9 रन आए थे। रविंद्र नक्कीच प्रशांत, आता उशिरा आलेले प्रेक्षकांचा नक्कीच आपण त्यांना माहिती देऊया की या मॅचचा स्कोर काय होता, लो स्कोरचा मॅच, आता मात्र डोके दुखी ठरलाय जासई संघासाठी। देखिए पहले ओवर में 9 रन आए थे, उसके बाद जो वापसी वाला ओवर फेंका था अभिषेक चोरगे नामक गेंदबाज ने, सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। अब बची हुई 2 गेंदे और 9 रन की जरूरत, एक बड़ा शॉट नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के ऊपर। ये गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, क्या ये बेहतरीन कैच, और यहां से निर्णय आना जरूरी अंपायर द्वारा, कैच पकड़ा है और हवा में उड़ाया गेंद, लेकिन अंपायर डिसीजन यहां से आना जरूरी। दो गेंदे जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन वहां से बेहतरीन फील्डिंग की, अंपायर डिसीजन आना जरूरी है बल्लेबाज के पारी का। अब यहां से पूरी तरह मुकाबला शायद एक तरफा लगता हुआ, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। कोशिश जरूर की थी बल्लेबाज ने, लेकिन नाकामयाब हुए, बेहतरीन फील्डर वहां और उस कैच को लपका और नतीजा हमने देखा बल्लेबाज के पारी का। अब बची हुई एक गेंद, अब जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। नक्कीच प्रशांत, ऑनफील्ड अंपायर ने अगदी योग्य निर्णय पहा, ज्या पद्धतीने आपण पाहिला झेल टिपल्यानंतर
हा क्षेत्ररक्षक एवढा उत्साहित झाला होता की त्यांना अगोदर जल्लोष केला, त्यानंतर हवेत चेंडू उडवला, म्हणजे थोडा वेळ निघून गेला. कारण नियमाप्रमाणे पहा, नीरजजी रणावत एक अनुभवी पंच आहेत, योग्य निर्णय त्यांचा आपल्याला पाहायला मिळतोय, ऑन फील्ड डिसिजन पाहायला मिळाला. क्योंकि ये जोश, क्योंकि आपको पता है आपको 26 रन डिफेंड करने हैं, पहले ओवर में 9 रन गए, तो शायद बेलोली टीम को भी नहीं लगा होगा कि ये मुकाबला हमारे पक्ष में आएगा. लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हुई मैदान पर, लाजवाब गेंदबाजी, एक गेंद 9 रन. क्या होगा इस मुकाबले में? अगर 9 गिरती है, आता है छक्का, तो यहाँ से मुकाबला पलटवार हो सकता है. एकाध खराब गेंद इस मुकाबले में कुछ अलग देखने को मिल सकता है क्या? लेकिन वो गेंदबाज ये गलती करेंगे, लेकिन ये गलती अगर की तो यहाँ से आपको काफी महंगे साबित हो सकते हैं. तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, लेकिन यहां से अब जीतने के लिए 9 रन की जरूरत है. कोशिश और कोशिश जरूर की थी बल्लेबाज ने, लेकिन अब यहां से कोशिश गेंदबाज नहीं, बल्लेबाज कर नहीं, तो सिर्फ गेंदबाजी कर सकता है. अगर गेंद खराब गिरी, उसके आया बड़ा छक्का, भी एक बड़ा शॉट आता है, तो कुछ अलग हो सकता है मैदान के ऊपर. लेकिन यहां से क्या वो गलती कर बैठेंगे? गेंदबाज का नाम है मनोज मात्रे. अच्छी गेंदबाजी किस गेंदबाज ने? पहली गेंद सिंगल, दूसरे गेंद पर वाइड जरूर आया था, तीसरी गेंद सिंगल, फिर सिंगल, डॉट गेंद और विकेट, और विकेट. ये गेंद नहीं करेंगे गलती, फील्डर वहां मौजूद राकेश मात्रे, और यहां से सुपर फोर में क्वालिफाई हो चुकी है टीम गांव देवी बेलवली है, चौथी टीम जो यहां से यहां पर अपने एक ट्रॉफी पर अपना नाम लिखते हुए. युग पुरुषांची महापुरुषांची, युग पुरुषांची महापुरुषांची. थैंक यू. चला नेक्स्ट मैच असेल वोडाफोन वहाल, माफ करा, शिवसाई पोहिंजे विरुद्ध कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल. लगेच आपण मॅच स्टार्ट करा, ही टॉस विनिंग कॅप्टनला विनंती असेल, लगेच लावून घ्या आपण फिल्डिंग. तर मॅन ऑफ द मॅच आमच्यापर्यंत प्रशांत माहिती पोहोचवतील, या सामन्याचा सामनावीर. आणि या सामन्याचा सामनावीर त्राकात चोरगे, आपण बेलवली व्यासपीठावरती या, आपले मामा आपल्याला बोलत आहेत.